गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द मॉडल साइंस चैप्टर नंबर 9, लेट्स लर्न टू फॉरगिव, पेज नंबर 59। राजू वेंट टू बेड हंगरी एंड व्हेन ही वेक अप ही रियलाइज समथिंग। राजू जब सोने गया और जब उठा तब वो रियलाइज किया कुछ कि मिस्ड हिज होम एंड हिज फैमिली टेरिबली नाउ। वो उसका फैमिली और जो घर है वो भयानक से वो मिस कर रहा था। एट द मोमेंट ही मेड ए प्लान, तो तभी वो एक प्लान सोचा। ही वुड गो बैक टू हिज विलेज टू हिज फादर्स हाउस एंड से टू हिम। तभी वो अपने गांव में वापस गया, उसका जो पापा का हाउस था, और उसको बोला प्लीज हायर मी एज ए वर्कर ऑन योर फार्म। उन्होंने बोला आपके जो फार्म है उसमें मुझे रख लीजिए। हायर मीन्स किराया पे। राजू न्यू दैट इफ ही हैड वर्क ही वुड ऑलवेज हैव ए वार्म प्लेस टू स्टे एंड फूड टू ईट। राजू जानते थे कि अगर उसका काम होता तो वो ऑलवेज एक गर्म जगह पे रहते, स्टे करते और जो फूड है वो भी खाते फ्री में। सो ही हिड इट फॉर होम, इसीलिए वो अपने घर पे जाना चाहा। इट टूक हिम ए लॉन्ग टाइम टू गेट होम, और एक लंबा टाइम वो अपने घर पे जाना चाहा। ही वॉज होपिंग दैट हिज फादर वुड लेट हिम वर्क एट द फार्म। उसका एक आशा था कि उसका पापा जरूर उसको उसका फार्म में कुछ काम दे देगा। राजू वॉज वॉकिंग अप टू फार्म, तो राजू ने उसको फार्म में फार्म की तरफ जाने लगा। विच वॉज स्टिल फार फार ऑफ व्हेन ही सॉ दैट समवन वॉज रनिंग टुवर्ड्स हिम। जब ही वो जाने के टाइम, जब ये कुछ ही दूर है वो फार्म से, तब देखा एक जन बहुत ही जल्दी उसके तरफ आ रहा है। एज द पर्सन गॉट क्लोजर राजू रियलाइज्ड इट वॉज हिज फादर एंड ही वॉज हीलिंग। जब उन्होंने नजदीक आया तब उन्होंने देखा वो आदमी था उसका फादर और वो कुछ बोलना चाह रहे थे। माई सन यू आर फाइनली होम, तो उसके पापा ने बोला मेरा बेटा तुम फाइनली घर पे आ गया। ही कुड नॉट बिलीव इट, वो विश्वास ही नहीं कर सकते थे। हिज फादर थ्रू हिज आर्म्स अराउंड हिम, उसका पापा ने अपना जो हाथ था उसके तरफ बढ़ाया। बट राजू क्विकली सेड फादर आई डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड योर सन। तभी राजू ने तुरंत कहा कि पापा हम ये डिजर्व नहीं करते हैं आपके बेटा बोलने के लिए। आई हैव वेस्टेड ऑल योर मनी, क्योंकि हमने आपका जो बहुत सारा पैसे है वो बर्बाद किए। राजू वांटेड टू कंटिन्यू बट द फादर सेड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, राजू और भी कुछ बोलना चाहते थे बट उसका पापा ने उसका कोई नौकर से कुछ बोले क्विक ब्रिंग द बेस्ट कुर्ता पायजामा फॉर हिम, कि उसका बेटे के लिए बेस्ट कुर्ता पायजामा खरीदने के लिए उसको सर्वेंट को बोला। ब्रिंग द बेस्ट फूड, बेस्ट खाना आने के लिए भी बोला। लेट्स हैव ए पार्टी एंड सेलिब्रेट बिकॉज माई सन वॉज लॉस्ट एंड हिज फाउंड, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते थे क्योंकि उसका जो सन है वो खो गया था और उन्होंने उसको पाया। ए लिटिल वाइल लेटर रोवी एंड ओल्डर सन हु वॉज वर्किंग इन द फील्ड हर्ड ढोल म्यूजिक एंड डांसिंग। तो रवि जो फील्ड में वर्क कर रहे थे तो वो सुना खूब ढोल बज रहे हैं और सब नाच रहे हैं। सो ही कॉल्ड टू वन ऑफ द सर्वेंट्स एंड आस्क्ड दैट वाज गोइंग ऑन, तो तब उन्होंने सर्वेंट को पुकारा और बोला क्या चल रहा है। योर ब्रदर हैज कम होम एंड योर फादर इज हैविंग ए पार्टी फॉर हिज रिटर्न। तो तभी नौकर ने बोला कि आपका जो भाई है वो घर पे वापस आ गया, इसीलिए आपका पापा एक पार्टी थ्रो किया है उसके वापस आने की खुशी में। So, after this, thank you.